अज इस पिंड असी 10 एकड़ जमीन लगभग छड़ा रहे हैं जी। लोग आपे अपने आप अगे आके तैयार हुए हैं। इस तो बाद असी ने उभ्या जाना, उभ्या भी 10 एकड़ जमीन है जी। खुशी तो कहती थी जी जो गवर्नमेंट ने छी है। एक बड़ा सुहिरद ते नेक चेतन किया गया जी अपील मानयोग पंजाब के मुख्यमंत्री साहब ने की सी, मान साहब ने की सी, उस अपील में मजबूर पिया गया। लगभग 9 एकड़ जमीन जी तो वॉलंटियरली आप जी छी है, कोई दबा नहीं किसी किस्म का। तुसी देख रहे हो पंजाबी लोग चैनल ते, मैं हाँ संजीव गोयल। जदों ही आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब दे विच बनी तां सब तो पहला मुद्दा जिहड़ा हैगा पंजाब दे मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान होरां ने जिहड़ा हैगा चुकिया पंचायती जमीनां दे कब्जे हटाउण दा। जी हाँ, पंचायती जमीनां दे कब्जे दे उपर जिहड़ा हैगा वड्डी कारवाई जिहड़ी हैगी लगातार कीती जा रही आ, जिथे कुछ लोग जिहड़े हैगे ने इस फैसले तो खुश नज़र आ रहे हैं तां कुछ लोग नाराज़ भी जिहड़े हैगे इस फैसले तो दिख रहे हैगे ने। पर लेकिन अज संगरूर दे कुछ पिंडां दे विच जिहड़ा हैगा लोगों ने पंचायती जमीनां दे कब्जे अपने आप छड्ड दित्ते नेगे। जदों भी यह खबर निकल के सामने आई तां पंजाब दे खजाना मंत्री हरपाल सिंह चीमा होर जिहड़े हैगे नेगे उन्हां लोगों नूं सन्मानित करन पहुंचे। सो साढ़े नाल इस वक्त कुछ लोग ने उन्हां दे नाल भी गल्लबात करदे आ और पंचायत अफसर दे नाल भी गल्लबात करदे हैगे आ। हाँ जी बिल्कुल साहब, किस तरह का जो अज चीमा साहब आए ने गे सन्मानित भी किया गया, कि लोगों ने पंचायती जमीन कि छी गई हैगी जी, कि पिंड की? पहला तो मैं थोनों सारू सत श्रीकाल कहना है। तो अज जो प्रोग्राम बनाया अपने सरकार के हुक्म अनुसार भी जो 31-5 तो पहला पहला जमीना के कब्जा छड़ देंगे तो उन्होंने सन्मानित किया जाऊगा। जे 31-5 तो बाद जे नहीं छड़नगे 31-5 तो बाद उन्होंने खर्चा तो परचा जो एक्ट साडा कहता उहदे मुताबक असीं कार्रवाई करांगे। अज इस पिंड दे विच असीं 10 एकड़ जमीन लगभग छड़ा रहे हैं जिहड़ी लोग आपे अपने आप अगे आके तैयार होए ने। इस तो बाद असीं ने उभ्या जाना, उभ्या भी 10 एकड़ जमीन है जी। की नाम है जी? दर्शन सिंह जी। दर्शन जी, जो अज पंचायती जमीन का कब्जा छड्या गया किन्ने परिवारों वालों छड्या गया, किन्नी जमीन हैगी और चीमा साहब वालों सन्मानित किया गया उन्होंने? ये अपने 5-7 परिवार ने जी। एक तो अपने गुरु घर कोल आ गई सी, गुरु घर की कमेटी ने भी सहमति ना बिल्कुल जितना है ने 4-4.5 किले ने जी सहमति ना छड़े ने जी। तो एक अपने बाबा दलोमान जी का डेरा जी, कुछ जमीन साड़ी किला सवा किला उच्चों निकलती है, उन्होंने भी सहमति ना छड़े है। और कुछ परिवार साढ़े पिंड दे विचों कई सालों तो 25-30 सालों तो बीज रहे सी, उन्होंने अपनी सहमति ना 4 परिवारों ने अपनी सहमति ना सानू जमीन समझा समाती जी। आके किस तरह सरकार दे इस फैसले किवें देख रहे हो? सरकार बहुत वधिया जी, बहुत वधिया है। देखो जिहड़ा भी काम कर रहे ने अपनी सोच समझना बहुत वधिया कर रहे ने। की नाम है जी? लक्ष्मण सिंह। दर्शन जी, किन्नी जमीन का कब्जा तुसीं छड्डिया? साडे लवे 2 ककीले ते गए 4 घरां लवे, ਉਹ ਅਸੀਂ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲੇ ਛੱਡਤੇ ਵੀ ਚੱਕੋ ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਉਵੇਂ ਛੱਡਤੇ ਅਸੀਂ ਨੇ। ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਬਜ਼ਾ ਜੀ? ਸਾਡੇ ਲਵੇ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ 10-15-20 ਸਾਲਾਂ ਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ? ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਉਵੇਂ ਕਰ ਦਿਓ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ? ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਲਵੇ ਕਬਜ਼ੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਚੰਗੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਛੱਡਤਾ ਵੀ ਚਲੋ ਫੈਸਲੇ ਕਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਛੱਡਤਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਤੜਕੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੀ ਲੈਣਾ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਛੱਡ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ? ਅਜਰ ਸਿੰਘ। ਅਮਿਤਰ ਜੀ, ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਛੱਡਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਖਾਤਰ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਮ ਨੇ 2 ਕਿੱਲੇ ਵਾਹਣ ਦੇ, ਉਹ ਹੁਣ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਛਡਾਉਂਦੀ ਆ ਅਸੀਂ ਛੱਡਦਾ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਛੱਡਿਆ ਜੀ? ਖੁਸ਼ੀ ਤਾਂ ਕਾਹਦੀ ਤੀ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਛਡਾਉਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਛੱਡੀਏ, ਅਸੀਂ ਮੇਰੇ ਖਾਲ ਥੋੜ੍ਹੇ ਖਾ ਕੇ ਛੱਡਾਂਗੇ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ। ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਫੈਸਲਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਛੱਡਤੀ ਬਸ, ਡੇਰੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਤੀ, ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਰਾਣੀ, ਹੁਣ ਗੌਰਮੈਂਟ ਛਡਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਡੇਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੀ ਤੀ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੀ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫਸਰ ਦਾ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਇਹੋ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਛੁਡਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਛੱਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਕਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ
हरपाल सिंह चीमा जी होरी भी है ने गे आप गलबात उन्होंने नाल भी जी है जरूर गलबात करते हैं चीमा साहब जोड़े है गे उन्होंने सन्मानित करन दे लई इत्थे पहुँचे सीगे जिन्हां लोगों ने अपनिया जमीनों के जोड़े कब्जे है गे वो छड़े है गे सो चीमा साहब साढ़े नाल है लगातार ये कार्रवाई की जा रही है चीमा साहब किस तरह देखते हो लगातार पंजाब का खजाना भरने लिए उपराले किए जा रहे हैं गे लोगों के एक मैसेज दिता कि पंचायती जमीन छड़निया ने पर लोग अपने आप जोड़े है जमीन के कब्जे छड़ रहे हैं। देखो अब बहुत ही खुशी वाला दिन हैगा कि ढंडोली कलां के सरपंच साहबान वालों बी डी पी ओ साहब दिलवा वालों सारी समुची पंचायत वालों सारे मतलब बंदे वालों एक बड़ा सुहिरद ते नेक चेतन किया गया जी जी अपील मानयोग पंजाब के मुख्यमंत्री साहब ने की मान साहब ने की उस अपील में अब बूर पिया गया लगभग 9 एकड़ जमीन जी वो वलंटियरली आप जी छी आ कोई दबा नहीं किसी किस्म का सो बहुत ही अच्छा इस मुहिम में भरमा हुंगारा मिल रहा पंजाब निवासियों को पंजाब के लोगों को आस बजी है कि इस बार ईमानदार लोगों की सरकार आ सो लोग ईमानदारी सरकार का साथ दे रहे हैं सो मैं सारे पिंड निवासियों का धन्यवाद करना चाहता हूँ। पिंड जमीन छड़न का जो मामला सामने आया बिल्कुल उभ्या जावे जी दड़बे जावे हर जगह पर जमीन छड़ी जा रही है एक सिहर से नेक यतन हो रहे हैं क्योंकि ये जमीन साढ़े पुरखियों की सांझी सी साढ़े जिन्हें भी असं खड़े हाँ साढ़े पुरखियों ने जमीन पिंड बेहतरी छड़ी सी सो किसी ने किसी कारण या गलती कारण या कोई होर कारण हो गया तो कब्जा हो गया पर हम सारे छड़ रहे हैं मैं समझता बहुत अच्छा माहौल हैगा सो मैं सारे का धन्यवाद करना चाहता हूँ। लोगों के बीच ये भी दो चीज़ बनी हुई है कि जिहड़े लोगों के रिहायशी मकान ने जी पंचायती जमीन कितने उन्होंने उपर तो नहीं देखो रिहायशी मकान ने जो उन्होंने मान साहब ने दोबारा मीटिंग होगी तो वक्रा फैसला लिया जाना पर लेकिन ये जो फैसला है सिर्फ सिर्फ शामलाट जमीन को लैके तो बहुत बहुत धन्यवाद सो सन पंजाब के खजाना मंत्री हरपाल सिंह चीमा जिन्होंने कहा है कि जिहड़ियां पंचायती जमीन के कब्जे ने लगातार लोग अपने आप छड़ रहे हैं इस दे नाल जिहड़ा हैगा पंजाब का खजाना जिहड़ा हैगा भरिया जाएगा और दूसरे पास जो चीमा साहब को सवाल पूछा गया कि जिहड़े लोगों के रिहायशी मकान जिहड़े पंचायती जमीन के बने हुए हैं तो वह कहते कि जल्द इस उपर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान जिहड़े हैगे अपना फैसला जरूर सुनाएंगे। पंजाबी लोग चैनल के लिए संजीव गोयल संगरूर।